दिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम को दिया लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापार नहीं चलता तो लक्ष्मी आती है, कहीं पैसा डूब गया तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। हजारों लाखों गुना पुण्य बेलपत्री के पेड़ के नीचे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों गुना पुण्य। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर आराधना कर घी का दिया लगाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का विसर्जन शाम के समय करे, एक घी का दिया मंदिर से विसर्जन के बाद आकर फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाए, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाकर सात परिक्रमा बेलपत्री के पेड़ की कर ले, झोली पसार कर प्रणाम करके बेलपत्री के पेड़ की नीचे की मिट्टी को सिर पर लगा ले और चले जाए, 3 से 4 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाता है। मां, ये साधारण नहीं है, लक्ष्मी तू इसके नीचे निवास है, इस बेलपत्र के नीचे तेरा निवास है, तू यहां रहे। पहले भी कथाओं में करा है, कैसी भी रोग हो कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, एक लोटा पानी कलश में जल थोड़ा दूध, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूला, एक बेलपत्र उसमें पटक दो, और शंकर भगवान पर शिवलिंग पर कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, धनेश्वर हो, हरीश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, एक लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा, लगभग आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे। शंकर को 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी महीने की शिवरात्रि को यमुना का जल और गंगा का जल दोनों एक साथ जब चढ़ाते हैं तो मनुष्य की मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। महाराज 3 माह इसलिए आज भी लोग मानसी गंगा के तट पर जो चकलेश्वर महादेव हैं उनको जल चढ़ाने के लिए यमुना जी का जल कावड़ में भर कर ले जाते हैं, कावड़ में कहां लेकर जाते हैं, चकलेश्वर महादेव पर, यमुना मथुरा से जल गोवर्धन लेकर जाते हैं चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव। मानसी गंगा के तट पर गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो मानसी गंगा पड़ती है, मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव विराजमान हैं, यमुना जी का जल भरकर जो प्रदोष के दिन चकलेश्वर महादेव को 3 बेलपत्र, 1 शनि का पत्र उसमें कलश में डालकर, 7 चावल के दाने उसमें डालकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो वो नहीं दे रहा हो, रुपया अड़ गया हो, कहीं व्यापार में डूब गया हो, धन नहीं आ रहा हो, वो जल जो शंकर जी को चकलेश्वर महादेव को समर्पित कर देता है, उसका धन गया हुआ 6 महीने के अंदर उसके पास वापस प्राप्त हो जाता है चकलेश्वर महादेव। मैं फिर निवेदन करूंगा, जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कष्ट है ज्यादा, तो शमी वृक्ष की 108 पत्तियां, 133 पत्तियां, 111 पत्तियां शमी वृक्ष की पत्तियों को लो, शंकर भगवान पर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर समर्पित करो, फिर जल चढ़ाओ, 133, 111, 122 जितनी बार बन सके समर्पित कर आपका दुख शिव से कहो, शंकर सुख देगा, ये सुख देगा।